ये नुस्खा पतले बालों को इतना मोटा घना और लंबा बना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर ग्रोथ जेल शेयर करने वाली हूँ जो बालों की लंबाई को तेज़ी से बढ़ाएगा, मोटा और घना बनाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए। कोई सवाल सुझाव तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो गाइज, इस हेयर थिकनिंग और हेयर ग्रोथ मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है, यानी कि पोटैटो। इसको मैं छील लूँगी। पोटैटो में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे झड़े हुए बालों को जल्दी से उगाने में मदद करते हैं, यानी रीग्रो करने में मदद करते। साथ ही पोटैटो जो होता है वो हमारे हेयर ग्रोथ को भी तेज़ी से प्रमोट करता है, यानी बालों को लंबा घना बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे घने हैं तो आप यहाँ पर दो आलू ले सकते हो। तो आलू को मैं यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लूँगी। आलू हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रोकता है। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो आप पोटैटो जूस का यूज़ कर सकते हो, इससे आपके बालों का असमय सफ़ेद होने की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। साथ ही ये असमय सफ़ेद हुए बालों को काला करने में भी मदद करता है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर पोटैटो एग हेयर मास्क और पोटैटो अनियन हेयर मास्क शेयर किया जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में, साथ ही बालों को थिकनिंग को भी बढ़ाने में वो ये मास्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उन वीडियोज़ को भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और उन्हें भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने पोटैटो को जिंजर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको कपड़े की हेल्प से छान कर इसका जूस निकाल लूँगी। तो पोटैटो को मैं स्क्वीज कर ले रही हूँ कपड़े की हेल्प से, तो इसका सारा जूस यहाँ पर निकल आया है। तो उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा लीव जो कि हमारे बालों की थिकनिंग के लिए, हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, साथ ही हमारे बालों को सिल्की और शाइनियर बनाता है। एलोवेरा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। एलोवेरा बिना किसी ऑयल के हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रफ़ होते हैं या शैम्पू के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, उनके लिए एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वह एलोवेरा का रेगुलर यूज़ करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण का काम करता है बालों को सॉफ्टर और शाइनियर बनाने में। तो मैंने एलोवेरा को छील लिया है और जिंजर ग्रेटर की हेल्प से मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर लूँगी जिससे इसका स्मूथ जेल निकल आएगा। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में डालकर पीस भी सकते हो जिससे ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो जिंजर ग्रेटर की हेल्प से मैं इसका जेल निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर एलोवेरा जेल भी मिल गया है। मैंने पूरा एक लीव, मीडियम साइज़ का लीव है, उसको मैंने यहाँ पर जिंजर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। तो हमें एलोवेरा जेल भी मिल गया है। तो हमें अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना चाहते हो तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच आप अपने बालों के अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल ले सकते हो। तो फ्रेंड मैंने इसमें कैस्टर ऑयल भी ऐड किया है, 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डाला है, पर शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखा पाई मैं। तो आपको यहाँ पर कैस्टर ऑयल डाल लेना है 1 से 2 चम्मच की मात्रा में, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है हेयर रीग्रोथ के लिए, बालों की थिकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये जो हेयर मास्क हम बना रहे हैं हेयर थिकनिंग के लिए और हेयर ग्रोथ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो पोटैटो जूस होता है उसे लगाने से बाल थोड़े से ड्राई होते हैं। तो आप इसमें कोई ऑयल डाल लेते हो जैसे कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल तो ये आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाता है और बालों की ग्रोथ में भी बहुत मदद करता है। तो इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में डालकर ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। इसे आप चम्मच की हेल्प से कुछ देर तक लगातार चलाते रहिए, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने का तरीका भी हम जान लेते हैं और इसको कब और कैसे लगाना है, कितनी बार लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। इसे आप चम्मच की हेल्प से अच्छे से चला दीजिए तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है। उसके बाद इसको आपको अपने स्कैल्प में और अपने हेयर लेंथ पर अच्छे से लगाना है। खासकर आपको अपने स्कैल्प में लगाना है क्योंकि हेयर थिकनिंग के लिए हेयर मास्क है। साथ ही ये हेयर मास्क हमारे जो स्कैल्प होते हैं यानी हमारे बालों के जो रोम छिद्र होते हैं उनको पोषण देता है, जिससे बाल सुदृढ़ होते हैं यानी कि बाल मजबूत होते हैं और साथ ही नए बाल उगाने में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो कैस्टर ऑयल मैंने इसमें डाला है, मैं आपको नहीं दिखा पाई गाइस। तो आपको यहाँ पर 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ज़रूर डालना है यानी अरंडी का तेल, जो कि हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो पोटैटो अगर आप अपने बालों को थिक बनाना चाहते हो, आपके बाल पतले हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें थिक और सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, काला घना बनाना है, तो आप पोटैटो हेयर ग्रोथ जेल हेयर ग्रोथ मास्क का ज़रूर यूज़ करें।
तो चलिए इसको जान लेते हैं कैसे लगाना है। तो फ्रेंड आपको इसको गंदे चिपचिपे स्कैल्प पर नहीं लगाना है, क्लीन एंड ड्राई स्कैल्प पर आपको इसको बांग कर करके अच्छे से लगाना है। मसाज करते हुए इस तरह से आपको अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अगर ये बचता है तो आप इसको अपने हेयर लेंथ पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल डाला है जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट और शाइनियर बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पोटैटो हेयर ग्रोथ जेल, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही हेयर थिकनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस हेयर मास्क को आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है। अगर ये बचता है तो आप इसको अपने हेयर लेंथ पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसे लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको अपने बालों में जरूर छोड़ें। उसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको कुछ महीने तक लगातार इस्तेमाल करें। आपके पतले बाल मोटे घने होने लगेंगे, मजबूत और लंबे होने लगेंगे। आपके झड़े हुए बाल भी दोबारा से उगने लगेंगे। साथ ही ये बालों को सॉफ्ट भी बनाता है, बालों को असमय सफ़ेद होने से भी रोकता है, प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी हमारे बालों को बचाता है। तो अगर आपके बाल पतले हैं, आप अपने बालों को मोटा घना और लंबा बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पोटैटो हेयर ग्रोथ जेल है। और साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये आपके बालों के झड़ने टूटने की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर पोटैटो एक हेयर मास्क, पोटैटो अनियन हेयर मास्क शेयर किया है, पोटैटो शैम्पू भी शेयर किया है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए। हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर थिकनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उन वीडियोस के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का ये पोटैटो हेयर ग्रोथ जेल पसंद आया। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा, ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कुछ सेकंड लगते हैं वीडियो को लाइक करने में, तो प्लीज़ जैसे आप इतना समय लगाकर वीडियो को देखते हैं वैसे ही आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।